तो भाई ये है नवाबजादे जिनके बारे में आपको बता रहा था। इनका नाम है ध्रुव, छोटे भाई हैं, लाडले हैं, थोड़े बिगड़ैल हैं, लेकिन अब आप इनको सुधारिएगा। अभी तक ये बाहर थे, इन्होंने बहुत अय्याशी की, बहुत मस्ती की, लेकिन अब हमको इनको टाइम पे लेके आना है, ठीक है। वैसे एक बात है, हर चीज़ का फायदा नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं। तो नुकसान ये है कि आपको इनके थोड़े नखरे उठाने पड़ेंगे, और फायदा ये है कि ये आपका दिल बहला के रखेंगे, आपका भी घर में मन लगा रहेगा। भाई मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन ये है कि ये एक अच्छे एंटरटेनर है। और बाय द वे डांस बहुत अच्छा करता है, डांस दिखा तुम्हारी को समझ में। और आप भी सुन लें, इस शहर में आप नए आए हैं, भाभी का ख्याल रखेंगे, और जिस काम के लिए आए हैं वो करेंगे। मैं ख्याल रखूंगा भाभी का। अब अगर आपने यहाँ भी वो आवारागर्दी जारी रखी तो इनसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई पहले मैं बोलता था कि मुझसे बुरा कोई नहीं है, लेकिन अब आपके कान पकड़ने के लिए एक नया शख्स आ गया है, याद रखिएगा। और आप भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भैया आपने पहले नहीं बताया हमारी भाभी इतनी सुंदर है, नहीं तो मैं कब का आ गया होता। वैसे गाड़ियों की कोई लाइफ नहीं होती, 6-7 सालों में इंजन खराब हो जाते हैं, क्या कहते हो? इससे तो अच्छे मर्द है, 50 साल तक एटलीस्ट इंजन और पिस्टल दोनों काम करते हैं, कुछ लोगों के तो उसके बाद भी। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड तो पक्की होगी तुम्हारी। अरे नहीं मैडम, काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। मतलब ड्राइविंग के नाम पे सिर्फ गाड़ियों पे ही चढ़े हो। गुड, कैरी ऑन। अरे मैडम जरा यहाँ आ सकते हो आप, पकड़ना है पाना। व्हाट? पाना पकड़ना है, पाना। पाना? वो नट बोल्ट खुल नहीं रहा। इतनी देर से तुम मुझे तड़पा रहे हो, इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे मिल जाऊं? हूँ, थोड़ा तुम भी तड़पो। गुड मॉर्निंग देवर बाबू, उठिए उठिए। सॉरी उठाने के लिए, सुबह देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। सपना देख रहे थे क्या? बस पूछिएगा मत क्या देख रहे थे। ठीक है, ये लीजिए तुम्हारी चाय। पर मैं तो चाय नहीं पीता हूँ। अब तो बना दिया। अपन गए तो पी लूंगा, इतने खूबसूरत हाथों से तो जहर भी पी लूंगा। ओहो, भाभी के साथ फ्लर्ट? हम्म, इतना हसीन चेहरा देख के दिल बदतमीजी तो करेगा ही। हाँ हाँ ठीक है, चलो उठो फ्रेश हो जाओ, मुझे आदर्श के लिए टिफिन पैक करना है। भाभी को थोड़ी बच्चा थोड़ी ना है, खुद कर लेगा अपने टिफिन पैक। तो आप अच्छे हैं? बिल्कुल, और ऐसे जिद्दी बच्चे जो एक बार किसी चीज को पसंद कर ले तो जब तक पा न ले छोड़ते नहीं। अच्छा तो क्या चाहिए इन बच्चे को? आप अच्छा ठीक है, फ्रेश हो जाइए आशिक साहब, चलती हूँ मैं। ओके, देखो कैसी सूखू मैं, पूरी गीली हो चुकी हूँ। हाँ
आपको आई थिंक कपड़े उतारने होंगे। क्या? नहीं नो, मेरा मतलब है कि आप मेरे मॉम के कपड़े पहन सकते हो तब तक कि आप कपड़े उतार के आयरन कर करने के लिए। मैं आयरन कर दूंगा इसको। ध्रुव, रॉकी बोल रहा हूँ। अरे एक्चुअली एक मिस्टेक हो गई यार। अरे वो जो तूने मुझे मूवी दी थी ना। कौन सी फिल्म? अरे वही वाली, डिलीट हो गई मुझसे यार। अबे साले क्या करता है बे? कैसे डिलीट हो गई? अरे मैं कुछ और, कहीं दिमाग कहीं और था मेरा, कुछ और काम कर रहा था और वो अपने आप ही डिलीट हो गई। हाँ अरे तो तेरे पास तो है ना, प्रॉब्लम क्या है? एक बार और डाउनलोड कर देना। कौन सी HD वाली? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दे दूंगा तुझे, तू कल आ जा। चल मैं सुबह आ रहा हूँ तेरे पास। हाँ मैं कुछ देख रहा हूँ। हाँ चल बाय, गुड नाइट। मोक्ष गलत हो रहा है। आप ही ने कहा था ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोच जज्बात बन जाते हैं, जज्बात अल्फाज, अल्फाज हरकत बन जाती है और हरकत आदत। मेरी सोच जज्बात बन चुकी है, मेरे जज्बात अल्फाज बन रहे हैं, अल्फाज अब हरकत बनना चाहती है और फिर देखते हैं क्या ये हरकत आदत बनती है। एक्चुअली भाभी हूँ मैं, ध्रुव का दोस्त हूँ। वो तो नहा रहा है, आओ ना अंदर आओ। जी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बाय द वे भाभी, हाँ कांग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज। थैंक यू। अबे आ गया तू? हाँ कब आया? अबे अभी आया, जी सुन ना। हाँ बोल। ये आदर्श भैया की तो निकल पड़ी यार, साले ये करने आया। चल अंदर चल, ला दे। साले सब घुमा के बैठा है। नहीं कैसे डिलीट हो गई यार? कर क्या रहा था तू? अरे मेरा ध्यान कहीं और था। ये वाली। अबे हाँ बे डाल रहा हूँ, सब ले ले तू। अरे भाभी भाभी इसकी क्या जरूरत थी? ओके वो किचन में रखा था तो ले आई मैं। अरे भाभी बैठिए ना थोड़ी देर, हमारे साथ भी हमसे बातें कर लीजिए। नहीं मुझे थोड़ा सा काम है किचन में, मैं बाद में आती हूँ। साले तू सुधरेगा नहीं ना यार, तेरी जो भाभी है ना क्या उंभाड़ माल है यार, तू कमीने का कमीना रहेगा हमेशा। इतना शरीफ मत बन तू भी, हैं सब पता है तेरे बारे में मुझे। क्या पता है बे? अबे एक भी मौका छोड़ा नहीं होगा तूने, समझा? बता दे। अबे बताना। अबे ट्राई किया था, जब भी कोशिश करता हूँ झटक के चली जाती है। अबे हमारी बात मान के चलोगे ना तो सब हो जाएगा। साले तुम पहले खुद की अपनी बात सुनो, तुम्हारा तो कुछ हो नहीं रहा। क्या सुनूं बे? मेरी बात सुन, एक शर्त पे तेरा काम करूंगा। बोल।
शेयर करना पड़ेगा। तू तो पागल हो गया क्या बे? अबे मेरी बात तो सुन ले पूरी। बोल। इधर आ। समझा? हैं? ऐसा हो सकता है? अबे रॉकी, रॉकी नाम है, सब हो सकता है। बस तुम जो मैं बोलूं वो करता जा। ठीक है? चल चाय पी। ले। अबे ले ले बे। आइडिया बुरा नहीं है बे। रॉकी आइडिया बनाया और वो हो सकता है बुरा। चल तू उधर ध्यान लगा और वाली भी डाल। भाभी। हाँ? वो रॉकी को कुछ काम था, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हो। मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? अब वो तो वही बताएगा ना भाभी, मुझे कैसे पता। आप चलो तो। हाँ चलो। आइए। भाभी सुन बे, भाभी आ गए, क्या प्रॉब्लम है बता इनको। बोलो रॉकी। आइए ना भाभी, बैठिए ना, बताता हूँ। अरे बैठ जाइए। भाभी बात ये है कि मैं एक लड़की को बहुत चाहता हूँ और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे अपने दिल की बात कैसे कहूं। तो उसमें मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी? अरे आप एक लड़की हो, ऑब्वियसली आपके नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा। और फिर मुझे ये भी डर लग रहा है कि अगर मैं उसे प्रपोज करूंगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेगी, कहीं हमारी फ्रेंडशिप ही ना टूट जाए। पर मैं तो वो लड़की नहीं हूं ना। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, क्या? क्यों ना आप दोनों एक रोल प्ले करो। रोल प्ले? रोल? मैं नहीं समझा। मैं समझाता हूँ। सुन भाभी, आप वो लड़की बन जाओ जिससे ये प्यार करता है और रॉकी आपको प्रपोज करेगा। तू जहाँ गलती करेगा भाई, भाभी तुझे टोक देंगी। नहीं, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा ये। भाभी मान जाओ ना। मैं नॉट अ बैड आइडिया भाभी। हाँ भाभी कर लो ना प्लीज, अब प्यार का सवाल है इसके। भाभी प्लीज मान जाओ ना प्लीज। ठीक है देख लो भाभी, वरना मैं तो जिस हाल में हूँ वो हूँ। प्लीज ना भाभी कर लो ना, मेरा दोस्त है, कर लो ना। ठीक है चलो। चल भाई। भाभी उस लड़की का नाम रिया है। हाँ। ठीक है भाभी, तो अब हम जो भी बात करेंगे वो रिया है ना, अब अंडरस्टैंड कर लेना उस चीज को। रिया बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, तुम कैसे रिएक्ट करोगी। पर मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, दीवानों की तरह प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे इसी विश्वास के साथ चाहो, सिर्फ मेरी बन के रहो, सिर्फ सिर्फ मेरी। छोड़ो। क्या कर रहा है बे? भाभी वो भावनाओं में बह गया वो। अरे भाभी मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मुझे काम है, मुझे मार्केट जाना है। साले मरवाएगा तू मुझे। कुछ शक हो गया तो? आधा काम तो हो गया है, तेरी भाभी अब मेरे बारे में ही सोचेगी। देख क्या कर रही है। साले तू तो बड़ा एक्टर निकला बे। माले मार। लगता है आइडिया काम करेगा। करेगा करेगा, क्यों नहीं करेगा। चला देखते कुछ। आदर्श मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
क्या हुआ बोलो ना। जरूरी है। क्या बात है भावना, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान लग रही हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? आदर्श, मुझे कुछ हफ्तों के लिए घर जाना है। What? कैसी बातें कर रही हो भावना, हमारी अभी भी शादी हुई है, we have recently moved in here, right? तुम इस तरह अगर अभी घर जाने की बात करोगी तो लोग क्या समझेंगे? भाई समाज है, दोस्त है, रिश्तेदार हैं, उनको तो यही लगेगा ना कि हमारी शादी में कुछ गड़बड़ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन। लेकिन क्या? वो आज ध्रुव का दोस्त आया था और मुझे। तुम्हें क्या? आदर्श मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, मुझे तुम्हारा भाई सही नहीं लगता। और पता नहीं आज उसका कोई दोस्त आ गया था, वो जबरदस्ती मेरे साथ कोई रोल प्ले कर रहा था कि उसको किसी गर्लफ्रेंड को प्रपोज मारना था। मुझे सब पसंद नहीं है। भावना देखो मेरी बात सुनो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। क्या है वहम? देखो ये शहर है, यहाँ पे लोग थोड़े फ्रैंक थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी पे कुछ बुरी नजर रखते ना होते, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम एकदम रिलैक्स रहो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मुझे तुम पे पूरा यकीन है भावना, लेकिन मुझे अपने भाई पे भी पूरा यकीन है। और मैं ये जानता हूं कि ध्रुव कुछ भी कर सकता है, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। लेकिन आदर्श। लेकिन क्या भावना? अच्छा एक काम करते हैं, देखो ध्रुव तुम्हारा देवर है और तुम उसकी भाभी है, और भाभी मां समान होती है, राइट? अगर तुम्हें ध्रुव की कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो उसको डांट दो, फटकार दो, और ज्यादा करे तो एक थप्पड़ भी मार दो, फिर तो ठीक है। सॉर्टेड? सो जाओ, गुड नाइट। छोटे भाई हैं, लाडले हैं, थोड़े बिगड़ेल हैं, लेकिन अब आप इनको सुधारिएगा। अभी तक ये बाहर थे, इन्होंने बहुत अय्याशी की, बहुत मस्ती की, लेकिन अब हमको इनको टाइम पे लेके आना है। ऐसे जिद्दी बच्चे हैं कि जो चीज एक बार पसंद आ जाए उसको हासिल कर ही लेते हैं। अच्छा तो क्या चाहिए इस बच्चे को? आप भाभी आप वो लड़की बन जाओ जिससे रॉकी प्यार करता है और रॉकी आपको प्रपोज करेगा। तू जहां गलती करेगा भाई, भाभी तुझे टोक देगी। मुझ पर विश्वास नहीं है। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मुझे अपने भाई पे भी विश्वास है, और मैं ये जानता हूँ कि ध्रुव कुछ भी कर सकता है, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। ये लो चाय। थैंक यू। आज तो लेट हो गया यार। आदर्श एक बात पूछूं? पूछो ना। ये ध्रुव कैसा लड़का है?
कैसा लड़का मतलब? मतलब वो ऐसे ही मजाक करता रहता है कि सबके साथ। किससे मजाक किया? मुझसे। हाँ तो तुम उसकी भाभी हो, तुमसे मजाक नहीं करेगा तो किससे करेगा? तुम बुरा तो नहीं मानोगे मैं एक बात बोलूं? ऐसी क्या बात है, बोलो ना। बस सुबह मैं नाश्ता बना रही थी तो उसने मेरे साथ ऐसी मस्ती करी तो मैंने जाने दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि दिन में मैं जब कपड़े चेंज कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कोई झांक रहा है। भावना, have you lost it? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बोले जा रही हो? ठीक है जो भी है, लेकिन come on, this is not possible. मुझे लगा तो मैंने बोल दिया, अब तुम्हें बुरा लग गया तो सॉरी। भावना मुझे बुरा नहीं लगा। देखो मैं मानता हूँ कि ध्रुव थोड़ा बिगड़ा हुआ लड़का है, लेकिन वो कम से कम ऐसा नहीं कर सकता यार, तुम उसकी भाभी हो, थोड़ा सोचो ना। पक्का तुम्हें बुरा नहीं लगा? बुरा तो मुझे लगा, और उसका हर्जाना तुम्हें देना ही होगा। चलो चाय पीने दो। श्योर। भैया चले गए? क्यों कर रही हो आप ऐसा? क्या मतलब? अब तो भैया चले गए, अब तो खुल के बता दीजिए क्या चाहती हैं आप। भाभी आपको प्रॉब्लम क्या है? कैसे बातें कर रहे हो? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? आपने क्या बोला भैया से? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? भाभी मैं इतने दिन से आपको समझा रहा हूँ कि मुझ में क्या कमी है, मैं कितना पसंद कर दूंगा, लेकिन आप कभी मानते नहीं। प्लीज मान जाओ ना। अरे क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मान जाइए ना प्लीज। क्या क्या चाहते क्या तुम? अच्छा आपको ये फील हो रहा है कि आप मेरे भाई की वाइफ हैं? आप यकीन मानिए आपको बिल्कुल गिल्ट फील नहीं होगा। आई विल प्रॉमिस यू कि मैं कभी किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। पागल हो गए भाभी, प्लीज प्लीज। अरे क्या किन प्लीज मान जाओ। हाउ डेयर यू? प्लीज मान जाओ। कितने गंदे इंसान हो, तुम्हारे साथ रहने में मुझे घिन आ रही है। घिन आ रही? देखो मुझे तो ये घर छोड़ के जाना है, क्यों ना अच्छे से गुड बाय बोल के जाऊं। चपले, आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी? हाँ तुझे क्या समझता था तू? क्या दिखा? ये मेरी बीवी, ये तेरे बारे में हमेशा कहती रहती, लेकिन मैंने इस पे भरोसा नहीं करा, तुझ पे भरोसा। सगे भाई से भी ज्यादा तुझसे प्यार किया, और तूने आखिर अपना सौतेलापन दिखाई दिया। हाँ दिखाई दिया। मेरा तो भाई नहीं, भाई के नाम पे कलंक है। डायल 100।